नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश भर में आज दीपावली की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में सुदूर सीमा चौकी पर आईटीबीपी के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ने चीन के बाजारों में पहुंच बढ़ाने की मांग की। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान संपन्न, आज दोपहर तक परिणाम आने की उम्मीद। एशियाई शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में अंगद वीर सिंह बाजवा ने स्कीट स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता और भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में 71 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ली। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। दीपावली का पर्व पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक इस पर्व पर दीपों की सजावट की जाती है और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्यौहार उत्तराखंड में सुदूर सीमा चौकी पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बहादुर जवानों के साथ दीपावली मनाने की तस्वीरें साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2014 में सियाचिन में सैनिकों के साथ, 2015 में पंजाब सीमा पर, 2016 में हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी जवानों के साथ और 2017 में जम्मू कश्मीर में गुरेज में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री आज सुबह केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के पुनीत पर्व पर आज सुबह करीब 9:15 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां वहां बाबा केदार के दर्शन पूजन के बाद आपदा के बाद केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। श्री मोदी केदारपुरी में हो रहे विकास कार्यों से संबंधित एक वृत्तचित्र भी देखेंगे। केदारनाथ क्षेत्र में जहां कुछ दिन पहले जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, वहां आज प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बर्फ हटाने के साथ ही रास्तों को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है और मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। दीपावली के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने श्री मोदी और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने शुभकामनाओं के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज अरुणाचल प्रदेश में आंद्राला ओंकार और अनिनी में अग्रिम सीमा चौकियों पर तैनात जवानों के साथ ये त्यौहार मनाएंगी। वे शहीदों के परिजनों से भी मिलेंगी। दीपावली के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि दीपावली आपसी भाईचारा बढ़ाने का अवसर है। उन्होंने लोगों से प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दीपावली भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संदेश देती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि ये त्यौहार हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद शहर अब अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले धरोहर शहर अयोध्या फैजाबाद जिले का हिस्सा था। कल शाम अयोध्या में दीपोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार अयोध्या के विकास के लिए सभी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के नाम पर हवाई अड्डा और राजा दशरथ के नाम से मेडिकल कॉलेज के निर्माण की भी घोषणा की। अयोध्या में राज्य सरकार ने दीपोत्सव समारोह में सरयू नदी के तट पर कल 3 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंच रहा है। हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट।
अयोध्या में आयोजित प्रसिद्ध दीपोत्सव में 3 लाख से अधिक दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने का कार्यक्रम दिए बनाने वाले कलाकारों के लिए वरदान साबित हुआ, जिन्हें उनके स्वयं सहायता समूह के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये काम मिला। इन दियों का निर्माण अयोध्या की महिला कुम्हारों ने किया। आकाशवाणी से बातचीत में सुषमा, जूली और नीता नामक महिला कुम्हारों ने बताया, अयोध्या में जो दीपक जल रहा है, हम लोग 5 सदस्य है और 30,000 दीपक दे रहे हैं। अयोध्या में जो दीपक जल रहे हैं वहाँ से ऑर्डर से मिले हैं हम लोगों को। इन 5 सदस्यों को बहुत से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। 10,000 मिला है, मैं बना रखता है, 10,000 तैयार है, मैं गरीब गरीब का भला हो चाहे। दीपोत्सव के प्रभारी आशीष ने आकाशवाणी को बताया, हम लोगों ने 4,20,000 बाती जो स्वयं सहायता समूह ने बनाई है, हमें 1.5 लाख दिया बनाने में करीब 125 परिवार डायरेक्ट रूप में लाभान्वित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को फायदा मिल रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। मतदान में अब 5 दिन शेष हैं। 18 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें 14 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इन 18 सीटों पर कुल 190 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें से 14 महिलाएं हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों ने 3-3 महिलाओं को टिकट दिए हैं। जिन प्रमुख महिला प्रत्याशियों के चुनाव परिणामों पर लोगों की खास नजरें रहेंगी, उनमें राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला, दंतेवाड़ा से इसी पार्टी की प्रत्याशी प्रमुख आदिवासी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा और कोंडागांव सीट से भाजपा के उम्मीदवार पूर्व मंत्री लता उसेंडी शामिल हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 593 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। सबसे अधिक 44 नामांकन रीवा जिले से भरे गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए इस महीने की 28 तारीख को मतदान होना है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नामांकन पत्र जमा करने का काम 9 नवंबर तक चलेगा, लेकिन आज दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं होंगे। इसी बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप को 51 लाख रुपए के नकद पुरस्कार वितरित करने की घोषणा की है। प्रत्येक जिले में शीर्ष 10 वोटर टर्न आउट वाले मतदान केंद्रों के जागरूकता समूह को श्रेष्ठ बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप पुरस्कार दिए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमर, कब? क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया है। वॉलेट कहाँ गया? एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होगी बिना आईडी? एक काम कर, अपना फोन दे, जल्दी से अपना आधार नंबर डाल। यार ये एम आधार चलेगा? अरे दौड़ेगा दौड़ेगा, चल 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 फटाफट संभाल के जा। जी पाजी, ये आधार कार्ड अगर खो जाए तो इतनी जल्दी मिल जाता है क्या, वो भी मोबाइल पे? हाँ पाजी, मिल जाता है। ओ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी सोच लो, फायदे में रहोगे पाजी। एम आधार डाउनलोड करो कभी भी कहीं भी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है। वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है। लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय, बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1500 पर फोन करें। क्या आपके शरीर में दाग है और वो जगह सुन्न है? अपने डॉक्टर की सलाह लें, कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है। इसकी दवा MDT प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त मिलती है। केंद्रीय कुष्ठ प्रभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने चीन में कृषि उत्पादों, दवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और पर्यटन बाजार में व्यापक पहुंच बढ़ाने की मांग की है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य पड़ोसी देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को पाटना है। शंघाई में वाणिज्य सचिव अनूप वधावन और चीन के वाणिज्य उप मंत्री वांग शेउवेन के बीच हुई बैठक के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई। वाणिज्य सचिव ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में भारत ने अपनी उत्कृष्टता और ताकत साबित कर दी है। इसे देखते हुए चीन के साथ आपसी व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण वैश्विक मौजूदगी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अमेरिका में कांग्रेस सदस्यों और दर्जनों प्रांतीय गवर्नरों को चुनने के लिए कल रात मध्यावधि चुनावों के लिए मतदान हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचित होने के 2 वर्ष बाद हुए इन चुनावों को उनके अब तक के कामकाज पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा समय में प्रतिनिधि सभा और सीनेट पर रिपब्लिकन्स का कब्जा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी रह सकता है। चुनाव परिणाम आज दोपहर बाद से मिलने शुरू हो जाएंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू की परिषद के एक और कार्यकाल वर्ष 2019 से 2022 के लिए सदस्य चुना गया है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परिसंघ के पूर्ण सम्मेलन में हुए चुनाव में भारत को 165 मत मिले और वह एशिया ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र से परिषद के लिए चुने गए 13 देशों में तीसरे स्थान पर रहा। वैश्विक स्तर पर परिषद के लिए चुने गए 48 देशों में भारत को 8वां स्थान मिला है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हमारे सहयोगी शशांक कुमार। एशियाई शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में अंगद वीर सिंह बाजवा ने स्कीट स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। अंगद महाद्वीपीय या विश्व स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय स्कीट निशानेबाज बन गए हैं। कुवैत में अंगद ने फाइनल राउंड में 60 में से 60 का परफेक्ट स्कोर किया। वहीं 10 मीटर राइफल मिक्सड स्पर्धा में इलावेनिल और हृदय हजारिका ने स्वर्ण और मेहुली घोष तथा अर्जुन बाबूता ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इधर लखनऊ में भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 71 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। कप्तान रोहित शर्मा के 61 गेंदों पर नाबाद 111 रन की बदौलत भारत ने 2 विकेट पर 195 रन बनाए। इसी के साथ रोहित विराट कोहली को पीछे छोड़ 2020 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और ये समाचार आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार लेकर आए हैं आपके कला प्रदर्शन के लिए एक सुनहरा मौका। मुझमें कलाकार दीपावली के पावन पर्व पर संगीत नृत्य नाटक लोक जनजातीय पुतुल कला कविता पाठ रंगोली अल्पना चित्रकला शिल्पकला जैसी कला क्षेत्रों में अपने कला प्रदर्शनों के ऑडियो वीडियो तथा फोटोग्राफ अपलोड करें हमारी वेबसाइट sangeetnatak.gov.in पर। प्राप्त प्रस्तुतियों में से हर दिन कुछ श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का चयन कर उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। श्रेष्ठतम प्रस्तुतियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कला का मन कला का प्रदर्शन मुझमें कलाकार। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद चंद्रिका। आज के लगभग सभी अखबारों ने अयोध्या में कल 3 लाख से अधिक दीपों से जगमगाती अयोध्या नगरी के रंगीन और बेहद आकर्षक चित्र दिए हैं। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला के समारोह में उपस्थित होने को भी अखबारों ने महत्व दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने अयोध्या में 3,01,152 दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने को अहमियत दी है। अमर उजाला के शब्द हैं जगमगा उठी जामनगरी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है फैजाबाद हुआ अयोध्या। दीपावली के संबंध में दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जानकारी में लिखा है दीपावली पर 15 देशों में अवकाश होता है आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग दीपावली मनाएंगे अमरीकी राष्ट्रपति दीपावली पर भोज देंगे जबकि ब्रिटेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी न्यूजीलैंड सहित 35 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दीपावली कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाबंदी की सिफारिश की। हिंदुस्तान लिखता है दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर हो रहा है विचार। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी की हांगकांग कंपनी का निदेशक गिरफ्तार। जनसत्ता लिखता है दुबई में नीरव मोदी की 11 संपत्तियां कुर्क। कश्मीर के शोपियां जिले में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकवादियों को ढेर करने की खबर वीर अर्जुन अमर उजाला और हरिभूमि में है। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे अखबारों ने विश्लेषण के साथ दिए हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में आज दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में सुदूर सीमा चौकी पर आईटीबीपी के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ने चीन के बाजारों में पहुंच बढ़ाने की मांग की है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है, आज दोपहर तक परिणाम आने की उम्मीद है। और एशियाई शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में अंगद वीर सिंह बाजवा ने स्कीट स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।